अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इस टीचर स्वर में। आइए आज के वीडियो में हम अम्ब्रेला स्कर्ट का स्टिचिंग देखेंगे। इससे पहले कि स्टिचिंग शुरू करें, इसके कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा, तभी आपको इसके स्टिचिंग का वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं मशीन पे और देखते हैं स्टिचिंग। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के वीडियो में हम अम्ब्रेला स्कर्ट का स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहला जो हम काम करेंगे, वो जो हमारे घेरे के पार्ट में एक साइड लेंथ कम पड़ा था तो हमने अलग से कली कटिंग किया था, उसको देख सकते हैं हमने इस तरीके से पिनअप कर लिया है। उल्टा भाग ऊपर के पार्ट का और कली के पार्ट का इस साइड है और सीधा भाग अंदर की तरफ है। तो आप भी ऐसा ही करिएगा कि पहले पिनअप कर लीजिए, उसके बाद स्टिचिंग कीजिए, ताकि कहीं से भी छोटा बड़ा या कपड़ा इधर उधर कोई भी पार्ट का ना हो जाए। चलिए हम इसको ज्वाइंट करते हैं और आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देख सकते हैं हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब मार्जिन को इस तरीके से या तो नीचे या ऊपर, जिधर आपको कंफर्टेबल लगे करते हुए ऊपर से अच्छे से हम आयरन कर लेंगे, ताकि ये हल्का फुल्का जो श्रिंक है वो ठीक हो जाए। उसके बाद हम अस्तर को तैयार करेंगे। अस्तर को तैयार करने के लिए जब आप कटिंग का वीडियो देखेंगे पूरा, तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हम सेंटर से बिल्कुल फोल्ड करेंगे अस्तर को और सेंटर से इस तरीके से 3 इंच का गैप देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कटिंग किया था हमने उसका इस तरीके से प्लेट लगा लेंगे। प्लेट लगाने के बाद आप अपने स्कर्ट के कमर के राउंड से अपने लाइनिंग के कमर के राउंड को अच्छे से नाप लीजिए। अगर लाइनिंग का कम पड़ता है तो प्लेट को आप कम ज्यादा उसके अनुसार कर सकते हैं। तो हमने प्लेट्स लगा लिया, एक प्लेट्स बाकी है, और प्लेट्स की जो लंबाई है वो 4 से 4.5 इंच का होना चाहिए। देख सकते हैं हमने मार्क किया है, 4.5 पे हमने मार्क किया है। इतना लेंथ तक हमें स्टिच कर लेना है। मैंने एक पार्ट में यानी फ्रंट बैक दोनों में मिला के ये 4, 2 एक साइड सेंटर से और 2 दूसरे साइड, यानी टोटल राउंड में अगर देखें तो ये 4 प्लेट्स पड़ेंगे। और कभी भी सेंटर में आप प्लेट्स मत डालिएगा, नहीं तो ये यहाँ पर जो है फूला फूला दिखने लगेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारे 4 प्लेट्स लग चुके हैं लाइनिंग के कपड़े में। ये प्लेट्स लगाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे स्कर्ट को वेयर करते समय हमें कमर हिप के पास कंफर्टेबल लगे। अब हम क्या करेंगे, अपने स्कर्ट मेन फैब्रिक को उठाएंगे और एक बार ज्वाइंट करने से पहले कमर के हिस्से को हम नाप लेते हैं कि कहीं छोटा बड़ा तो कोई हिस्सा नहीं हो रहा। स्कर्ट एक साइड से जुड़ा हुआ है, एक साइड हमें स्टिचिंग करना है, तो देख सकते हैं बिल्कुल डबल करते हुए हमने यहाँ पर सेंटर में कट डाल दिया है। क्योंकि मैं इस स्कर्ट में बेल्ट में फ्रंट की तरफ में बुकरम की पट्टी लगाने वाली हूँ और बैक साइड में इलास्टिक लगाने वाली हूँ, इसीलिए हमें यहाँ पर सेंटर देना जरूरी है। यानी इस तरीके से हमें हाफ का पता चलता रहे कि एक हिस्सा फ्रंट में आएगा, एक हिस्सा बैक में आएगा। हमने सेंटर कट डाल दे, उसके बाद हम इसको नाप लेंगे पूरा। चाहे आप पूरा ओपन करके नाप लें,
या डबल करते हुए नाप लें जैसा आपको आसान लगता है। मैंने एक साइड को ज्वाइंट कर लिया है अपने लाइनिंग के कपड़े को, तो डबल से डबल साइड को मिलाते हुए इस तरीके से। और एक चीज का ध्यान रखना है, वो चाहे बेल्ट ज्वाइंट करते हुए हो या इस लाइनिंग के कपड़े से नापते हुए, बिल्कुल भी स्कर्ट के हिस्से को खींचना नहीं है, क्योंकि ये उरेब में कटा है तो तुरंत यहाँ पर आपका कम ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल लूज छोड़ते हुए हमें लाइनिंग को नापना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्कर्ट के साथ अटैच कर देंगे, लाइनिंग को सीधे उल्टे का ध्यान रखेंगे। और जो हमने फोल्ड जहां पर है वहां पर कट किया, वहीं से हमारे लाइनिंग का जो हमने एक साइड को ज्वाइंट कर दिया है, ये ज्वाइंट यही सेंटर में आना चाहिए। सिलने से पहले आप पिनअप कर ले यहाँ पर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। लाइनिंग को हम उल्टे साइड से ज्वाइंट करेंगे, इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिला लेंगे कट को और पिनअप कर लेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे। और एक ही स्टिच लगा के हम पूरे स्कर्ट के कमर में अपने लाइनिंग को अटैच कर लेते हैं। ध्यान रहे, कोई भी हिस्सा आपको खींचना नहीं है, खासकर स्कर्ट के कपड़े का ध्यान रखना है। जो प्लेट्स का हिस्सा है ना, इस तरीके से सेंटर में कोई भी पेन पेंसिल इस तरीके से लगा ले या कोई नुकीली चीज, इस तरीके से हम फ्लैट कर देंगे। ये किसी भी एक साइड को हम प्लेट्स को नहीं करेंगे, इस तरीके से सेंटर से फ्लैट कर देंगे। चारों प्लेट्स को हम ऐसा ही करेंगे। देख सकते हैं अटैच हो चुका है, कहीं से भी कोई भी हिस्सा छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब हम अपने घेरे के पार्ट को रेडी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने पूरे घेरे में हाफ इंच के मार्जिन लेते हुए हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया है चौक से, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें कितना स्टिचिंग करना है यहाँ पर। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं बुकरम की पट्टी लगाने वाली हूँ, इसीलिए हमने लेंथ से कम किया था। तो देख सकते हैं हमने 1.5 इंच चौड़ाई का बुकरम कट करके, और इस तरीके से हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करना है हमने कपड़ा, ताकि हम इस तरीके से फोल्ड कर पाएं। और ये फोल्ड करके मैंने आयरन करके इस तरीके से पूरा घेरे के बराबर हमने मेजर कर लिया था, और पट्टी कट के ये आयरन करके तैयार कर लिया है। और दोनों साइड, जिस साइड बुकरम है उधर भी और दूसरे साइड भी, ये हमने जो किनारा है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके आयरन से सेट कर लिया है। अगर आप पट्टी लगाएं बुकरम की, तो इसी तरीके से आप सेट कर लें, ताकि स्टिचिंग करते हुए बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब हम क्या करेंगे, कभी भी आपको किसी ने यह तरीका नहीं बताया होगा, आज मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपके घेरे में बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। इसको खोलेंगे, हमने फोल्ड किया हुआ है, जो हमने हाफ इंच का मार्जिन का ये मार्किंग किया है, इस तरीके से पट्टी को इस तरीके से ओपन करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। और ध्यान रहे, जो बुकरम का साइड है वो हमारे स्कर्ट के सीधे साइड पे आना चाहिए, और इतना अंदर हम इस पट्टी को खोलते हुए इस तरीके से अंदर स्कर्ट के घेरे को डालते जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर स्टिच करना है, और हम ऊपर से लेस लगाएंगे, वो भी मैं बताती हूँ कि कैसे लगाना है। देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। और देखिए, उल्टे साइड से भी कहीं से भी दोनों साइड के कपड़े में कोई खिंचाव नहीं है, और कोई भी यहाँ कपड़े का धागा भी आपको नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से हम पूरे घेरे को तैयार करेंगे। उसके बाद
जो हमने ये 1.5 इंच का लेस दिखाया था आपको कटिंग के समय, उसके बाद से हम इस लेस को इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, सुंदर तो लगेगा ही और ये हमारा पट्टी का स्टिचिंग भी इसमें छुप जाएगा। इस तरीके से लेस को ऊपर भी और नीचे भी हम थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके से सेट करते हुए हम लेस को भी लगा लेते हैं। मैं लगाती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं हमारा लेस और बुकरम का पट्टी लग के तैयार हो गया है। सीधे साइड से तो देखेंगे वो, चाहे कोई भी देखे तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि हमने इस पट्टी को अलग से ज्वाइंट किया है। उल्टे साइड से भी देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग आया है। कोई कपड़े का धागा आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ओपन कपड़ा था वो हमारे पट्टियों के बीच में मार्जिन दब चुका है। तो ये हो गया काम पूरा घेरे का। अब हम बेल्ट का पार्ट लगाएंगे। बेल्ट का पार्ट लगाने के लिए ये हमने इस तरीके से, हमने इस स्कर्ट में एक ही साइड को स्टिचिंग करना है, एक साइड हमने जुड़ा हुआ भाग रखा है। तो इस तरीके से हमने कट कर दिया है ताकि हमें इसका साइड का, दूसरे साइड का पता रहे। अब हम बुकरम की पट्टी जो हमने बेल्ट के कपड़े में अपने कमर को नाप के और बेल्ट का कपड़ा कटिंग किया है, ये पूरा सिंगल कपड़ा है, इसको भी इस तरीके से हमने सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर कट कर दिया है ताकि यहाँ का सेंटर कट और ये हमारे बेल्ट का, ये दोनों मिलके आए जब हम स्टिचिंग करें। तो इस तरीके से बेल्ट का भी सीधा भाग और स्कर्ट का भी सीधा भाग हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस सेंटर कट से स्कर्ट के साइड के कट को इस तरीके से मिला के और पिन अप कर देंगे। और जो बुकरम वाला हिस्सा होगा ये इस तरीके से, यानी हमारे स्कर्ट के सीधे साइड पे आना चाहिए पलट के। तो सीधे साइड पे आने के लिए हम क्या करेंगे, ये बुकरम वाले हिस्से को हम ज्वाइंट करेंगे अपने स्कर्ट में। इसका ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से हम सेंटर से, सेंटर इसका मिलाते हुए साइड का यहाँ पिनअप कर लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। अगर आप सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप पिनअप कर लीजिए इसको ताकि आपको सिलने में आसानी रहे। एक किनारे से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे और दूसरे साइड तक पूरा कर लेंगे। ये बुकरम वाला हिस्सा जो मार्जिन है उसको मैं स्कर्ट में ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देख सकते हैं सीधे से सीधा अंदर की तरफ है, उल्टा हिस्सा हमने बाहर रखा है स्कर्ट का भी और बेल्ट का भी। अब हम स्टिचिंग करते हैं, एक साइड से शुरू करेंगे और पूरा घेरा कंप्लीट करेंगे कमर का। देख सकते हैं हमने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अब दोनों किनारों को हम इस तरीके से मिला के सिल देंगे। ध्यान रहे इस तरीके से सिलाई बिल्कुल मिलके आना चाहिए दोनों साइड के किनारे का। और सिलते हुए हम कम से कम 6 से 7 इंच तक लाइनिंग का कपड़ा और स्कर्ट का कपड़ा ये हमने मार्क किया हुआ है, 6 से 7 इंच पे मार्क किया है। यहां तक मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक स्कर्ट का दोनों साथ साथ सिलूंगी। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर सिलाई को लॉक करेंगे और जो स्कर्ट का मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से हम यहाँ से अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ से दोनों पार्ट अलग अलग स्टिच करना है नीचे तक, यहाँ से मिला के हम पूरा सिलेंगे।
और मार्जिन के कपड़े को हम इस तरीके से जो पट्टी लगाया है हमने बेल्ट उसके साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे। स्कर्ट के मेन फैब्रिक को हम बिल्कुल इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे जहां हमने फिनिश किया है सिलाई को मार्किंग के पास वहां पर इस तरीके से हल्का सा कट कर देंगे मेन फैब्रिक को ताकि अंदर की तरफ फोल्ड होने में आसानी हो जाए और ध्यान रहे ये स्टिचिंग में नहीं आना चाहिए। ये अस्तर का हिस्सा हमने अंदर की तरफ कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से इसको पलटेंगे और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। इस तरीके से स्कर्ट के हिस्से को पकड़ेंगे और जहां से हमने स्टिचिंग को खत्म किया है यहां से इसी के सामने से हम थोड़ा ऊपर से हाफ इंच ऊपर से हम निडिल को रखेंगे और शुरू में सिलाई को लॉक करेंगे और यहीं से स्टिचिंग हम नीचे तक कंप्लीट। देख सकते हैं कहीं भी श्रिंक नहीं आया है, बहुत ही सफाई से स्टिचिंग हो चुका है। अब हम इलास्टिक लगाएंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर हमें ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं है और ये जो हमने बुकरम लगाया है उसके ऊपर हाफ इंच इलास्टिक को इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और यहाँ पर सिलाई से इसको फिक्स कर देंगे जहाँ पे हमने ये ज्वाइंट किया है बेल्ट और स्कर्ट के मार्जिन को वहाँ तक इस तरीके से रबड़ को इलास्टिक को बराबर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई से इसको अटैच करेंगे। ऐसा ही हम दूसरे साइड भी करेंगे जहाँ पे हमने फोल्ड करके सेंटर कट दिया हुआ है बेल्ट के कपड़े में। यहाँ पर ये दोनों साइड इलास्टिक अटैच हो चुका है। अब आप यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहां से आपको कंफर्टेबल लगता है वहां से स्टिचिंग शुरू कर सकते हैं। इसको जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा कट किया था इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टिचिंग करते हुए इलास्टिक के ऊपर हमारा सिलाई नहीं आना चाहिए। देख सकते हैं हमने पूरे बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करके पिनअप कर लिया है। अब हमें स्टिच करने में बहुत आसानी होगी। चलिए इसको स्टिच करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, कपड़ा ज्यादा पड़ेगा और इलास्टिक कम हो जाएगा। तो इलास्टिक को इस तरीके से पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है हल्का हल्का खींचते जाना है, कपड़े को सेट करना है और तब हमें स्टिच करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर में इलास्टिक के स्टिच करेंगे, आगे भी खींचेंगे और अपने सामने भी खींचेंगे। इस तरीके से खींचते हुए हम सेंटर में भी स्टिच करते हैं। अब हम इलास्टिक के साइड को बैक साइड में जो हमने इलास्टिक डाला है इस तरीके से दो तीन बार खींच देंगे ताकि जितने भी गैदर्स हैं वो बराबर से फैल जाए। ये हो गया पूरा। अब इस तरीके से खींचते हुए हम दोनों साइड आगे पीछे खींचते हुए इलास्टिक के सेंटर में स्टिच करेंगे, उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे।
इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं, जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडिल, प्रेशर कोट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।